वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है समर की कुछ क्रीमें हैं जिनके बारे में बात करूँगा। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विंटर का मौसम ख़त्म हो रहा है और गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। गर्मियों की क्रीमें कुछ मुख्तलिफ होती हैं, वो कौन कौन सी है जो रेगुलर इस्तेमाल की जाती हैं और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें नाज़रीन सबसे पहले जो है वो तिब्बत स्नो क्रीम है। नाज़रीन, तिब्बत स्नो क्रीम की अगर बात करें तो ये किसी तरह की मसाज नहीं, अरसा दराज से ये मार्केट में जो है दस्तयाब है और काफ़ी लोग जो हैं इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। नाज़रीन, ये क्रीम जो है ज़्यादातर लोग जो है वो समर में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये विंटर की क्रीम भी इनकी आती है जो कि तिब्बत कोल्ड क्रीम है जो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जो विंटर क्रीम है वो चिकनाही के लिए और आयली क्रीम होती है, जो स्नो क्रीम है ये खुश्क ड्राई क्रीम है जो कि गर्मियों में इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरी क्रीम है वो ओमेगा स्नो है। ओमेगा स्नो भी नाज़रीन तिब्बत क्रीम की तरह है, बस इनकी कंपनी का नेम चेंज है। वैसे इसका क्रीम का स्ट्रक्चर और इसके अलावा क्रीम जो है इसकी फ्रेगनेंस वगैरह तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके भी बेनिफिट वगैरह जो है ऊपर मेंशन किए हुए हैं। ये नाज़रीन जिस तरह तिब्बत स्नो क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बेनिफिट वगैरह वही हैं, इसको भी गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी कोल्ड क्रीम सर्दियों वाली मार्केट में दस्तयाब है। आगे चल के मैं आपको इसका एक फार्मूला भी बताऊँगा जो कि एक्नी वगैरह के लिए है, तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो तीसरी क्रीम है नाज़रीन वो फेज क्रीम है। नाज़रीन, फेज क्रीम भी ये जो है स्नो क्रीम है, इसके अलावा एक कोल्ड क्रीम भी मार्केट में दस्तयाब है फेज की, जो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, इन दोनों में फ़र्क बस वही है जिस तरह तिब्बत और कोल्ड और स्नो में फ़र्क है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इन तीनों का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। कोई भी क्रीम इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप वो फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए। अब नाज़रीन, मैं इनको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि तीनों का कलर जो है वो सेम है और सेम ही क्रीम का स्ट्रक्चर है। नाज़रीन, फार्मूले की बात करें तो जो फार्मूला है क्रीम का, तिब्बत क्रीम चाहे ले लें या इनमें से कोई भी क्रीम ले सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्नो क्रीम भी आती है कंपनी के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको रंग गोरा करने का एक ज़बरदस्त फार्मूला बताऊँगा। इसके लिए आपको तिब्बत क्रीम इस्तेमाल करनी होगी। तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फार्मूले को तैयार करने के लिए आपने सबसे पहले तिब्बत क्रीम लेनी है या इनमें से कोई भी क्रीम ले लें। इसके बाद एक बड़ा चम्मच क्रीम निकाल लें और इसमें एक जो है आधा चम्मच आपने एलोवेरा जेल का डाल लेना है। एलोवेरा जेल की नाज़रीन अगर बात करें तो एलोवेरा जेल जो है वो कोई भी आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। इसको आपने इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपके पास नेचुरल है एलोवेरा तो वो सबसे बेहतर है। नाज़रीन, इसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है और क्या डालना है इसमें, वो वाइटनिंग के कैप्सूल हैं। वाइटनिंग के कैप्सूल आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएंगे। इसके अलावा फार्मेसी मेडिकल स्टोर से भी आपको इजीली मिल जाएंगे वाइटनिंग के कैप्सूल। नाज़रीन, वाइटनिंग कैप्सूल जो है आपने इसमें डालने हैं। डालने के बाद आपने इस क्रीम को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके किसी जार में अच्छी तरह महफूज कर लेना है। नाज़रीन, मिक्स कर लें, जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने इसे किसी डब्बे में डाल के एक हफ़्ते तक रख सकते हैं, यानी कि आप इसको एक हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसको इस्तेमाल ना करें। कोई भी क्रीम जब आप ये फार्मूला तैयार करते हैं तो उसका जो है एक्सपायरी टाइम जो तैयार करते हैं वो हफ्ता 15 दिन ही होते हैं। इसके बाद उसका रिज़ल्ट वो नहीं मिलता, इसलिए आप उतनी ही मिकदार में इस क्रीम का फार्मूला तैयार करें जो एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही आपका ख़त्म हो। ये क्रीम आपने रात को लगानी है, पूरे फेस के ऊपर अच्छी तरह लगाएं और लगा कर सो जाएं। जब आप वह उठेंगे तो किसी भी अच्छे फेस वॉश साबुन से धो लें। बस इसी तरह आपका इसको अच्छी तरह लगाते रहना है। कुछ दिनों के बाद ही अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी पिंपल हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका कलर जो है वो भी वाइट और फेयर हो जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेसिपी के फार्मूले हैं क्रीमों के अंदर बनाने वाले, वो भी मैं जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं आपको बताता जाऊँगा।
और आप जो है मुझे बताना कमेंट करके कि अगर आपने इसको यूज़ किया है तो आपको इसका रिज़ल्ट किस तरह का मिला है। मैंने जितनों को इस्तेमाल किए हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अगर हमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।